भारत की राजनीति में आजकल भारत की अर्थव्यवस्था लगातार ट्रेंड कर रही है। अर्थव्यवस्था से जुड़े हर आंकड़े पर आजकल विपक्ष, एक्सपर्ट्स और जनता की पैनी नजर है। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो गई और वार्षिक परंपरा के तहत इस अभिभाषण के बाद सरकार ने वर्ष 2017 और 18 का आर्थिक सर्वेक्षण देश के सामने पेश किया। सरल शब्दों में कहें तो आर्थिक सर्वे देश की आर्थिक सेहत का मूल्यांकन होता है। इसमें आंकड़ों के जरिए अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा देश को बताई जाती है। इसमें बीते हुए वर्षों के आंकड़े होते हैं, भविष्य के अनुमान लगाए जाते हैं और सरकार के लक्ष्य का वर्णन होता है। सरकार 1 फरवरी को बजट पेश करेगी। ये सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी पूर्णकालिक बजट होगा, इसलिए ये आर्थिक सर्वेक्षण देश की अर्थव्यवस्था और देश की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आज हम इसका संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले आपको जीडीपी के बारे में बताते हैं। 2016 और 17 में भारत का जीडीपी 151.84 लाख करोड़ रुपए का था, जबकि 2017 और 18 में भारत का जीडीपी 166.28 लाख करोड़ रुपए का होने का अनुमान है। अगर जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो 2016-17 में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 7.1% की विकास दर से बढ़ा। भारत सरकार का अनुमान है कि 2017 और 18 में भारत का जीडीपी 6.75% की विकास दर से बढ़ेगा। इस अनुमान के हिसाब से जीडीपी ग्रोथ रेट में 0.35 की कमी आ सकती है। हम ये कह सकते हैं कि नोटबंदी और जीएसटी लागू होने का असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, लेकिन यह असर बहुत मामूली है। सरकार का यह भी अनुमान है कि वर्ष 2019 में भारत की अर्थव्यवस्था 7 से 7.5% की विकास दर से बढ़ेगी। यह भी संभव है कि तब भारत दुनिया में सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बन जाए। कृषि और माइनिंग सेक्टर की विकास दर 2013 और 14 में 4.80% थी, 2015 और 16 में 2.20% कम हो गई और 2016-17 में बढ़कर 4.40% रही। व्यापार, होटल, परिवहन और संचार के क्षेत्र की विकास दर 2013-14 में 6.50%, 2015-16 में 10.5% और 2016-17 में 7.80% रही। मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, बिजली, गैस और पानी की आपूर्ति के क्षेत्र में विकास दर 2013 और 14 में 4.20%, 15 और 16 में 8.60 और 2016 और 17 में 6% रही। फाइनेंसिंग, बीमा, रियल एस्टेट और व्यापार सेवाओं में विकास दर 2013 और 14 में 11.20% थी, 15 और 16 में 10.80% और 2016-17 में 5.70% रही। अगर हम विशेष तौर पर कृषि की बात करें तो 2015 और 16 में अनाज का उत्पादन 2,515 करोड़ टन था और 2016 और 17 में अनाज का उत्पादन 2,755 करोड़ टन रहा, यानी पहले से थोड़ा सा बढ़ा। अगर हम देश में बिजली के उत्पादन की बात करें तो 2015-16 में 1,336 अरब किलोवाट आवर बिजली का उत्पादन हुआ था और वर्ष 2016-17 में 1,433 अरब किलोवाट आवर बिजली का उत्पादन हुआ। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक भारत में महंगाई दर नियंत्रण में है। 2015 और 16 में उपभोक्ता महंगाई दर 4.9% थी, 2016 और 17 में उपभोक्ता महंगाई दर 4.5% हो गई और 2017-18 में इसके 3.3% रहने का अनुमान है, यानी और कम हो जाएगी महंगाई। भारत में राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट लगातार कम हो रहा है। 2016 और 17 में फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का 3.5% था और अगले वित्त वर्ष में फिस्कल डेफिसिट 3.2% रहने का अनुमान है। यहां आपको बता दें कि सरकार के कुल खर्च और कुल कमाई के अंतर को फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है और इसका कम होना देश की आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा माना जाता है। जीएसटी की वजह से टैक्स देने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है। इनडायरेक्ट टैक्स देने वालों की संख्या 50% तक बढ़ गई है। 29 दिसंबर 2017 तक विदेशी मुद्रा भंडार $409 बिलियन था, जबकि पहले ये $370 बिलियन था।
हालांकि चिंता की बात यह है कि खराब मौसम की वजह से कृषि की पैदावार पर असर पड़ा है। इसके अलावा सरकार ने पेट्रोलियम की बढ़ती कीमतों पर भी चिंता जताई है। एक खास बात यह भी है कि इस बार सरकार ने गुलाबी रंग में रंगा आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया, जो महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। दो दिन बाद बजट आने वाला है। बजट में क्या होगा ये तो किसी को पता नहीं है, लेकिन एक बात साफ है कि भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, ग्रो कर रही है, विकास कर रही है, और इस पर पूरे देश को गर्व भी होना चाहिए। हालांकि जिस दिन हमारी अर्थव्यवस्था अमीरी और गरीबी की खाई को कम करने के बजाय खत्म कर देगी, उस दिन शायद पूरा देश ज्यादा प्रसन्न होगा, खुश होगा। अब से कुछ दिन पहले जब मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू किया था, तो हमने भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए कई सवाल उनसे पूछे थे। हमने आपके लिए उस इंटरव्यू का आज एक ऐसा अंश निकाला है जो भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। आप भी देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था पर प्रधानमंत्री मोदी का क्या कहना है। लेकिन आपके आने के बाद एक नई परंपरा ये भी शुरू हुई कि जीडीपी ग्रोथ रेट कैसे चल रहा है। इससे पहले मुझे याद है 3-4 साल पहले जनता को इस बात के बारे में पता नहीं होता था कि जीडीपी ग्रोथ रेट कितना चल रहा है। अब वो सेंसेक्स की तरह उसके बारे में हर 3 महीने में छपता है कि ये जीडीपी ग्रोथ रेट अब इतना हो गया, इतना बढ़ गया, इतना कम हो गया, और आपको उसके नाते हर 3 महीने के बाद आपको आंका जाता है। और अगर मान लीजिए उस जितना आपने प्रॉमिस किया उतना नहीं बढ़ा, तो फिर आलोचना शुरू होती है। तो ये भी एक नई परंपरा आपके आने के बाद शुरू हुई है। मैं इसे अच्छा मानता हूँ। देश का ध्यान अर्थव्यवस्था, विकास, इस पर केंद्रित होना चाहिए। आलोचना है उससे कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। लोकतंत्र में आलोचना ही ताकत है। क्रिटिसिज्म नहीं है तो लोकतंत्र चल ही नहीं सकता है। और मैं तो मानता हूँ कि हर चीज़ का एनालिसिस होना चाहिए, अच्छी चीज़ों का खुलकर के अप्रिसिएशन होना चाहिए, कमियों का खुलकर के क्रिटिसिज्म होना चाहिए। ये लोकतंत्र की मूलभूत ताकत है। लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, रिसर्च करना पड़ता है, प्लस माइनस पॉइंट सब लेकर के आना पड़ता है। अब आज का गूगल गुरु का जमाना है, तो दुनिया इतनी तेज़ी से दौड़ती है, तो क्रिटिसिज्म न के बराबर होता है, लेकिन एलिगेशंस ज़्यादा हो जाते हैं, और कभी कभी तो एलिगेशंस ही एलिगेशंस होते हैं। तब जाकर के हेल्दी जो चीज़ें उभर करके आनी चाहिए, जो अमृत निकलना चाहिए, वो कभी उसकी कमी महसूस होती है। लेकिन अच्छी बात है, देश जीडीपी की चर्चा करता है, एग्रीकल्चर ग्रोथ में क्या हुआ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में क्या हुआ, सर्विस सेक्टर में क्या हुआ, मार्केट फोर्सेस क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी कैसे देख रही है, इन चीज़ों की तरफ ध्यान गया है, तो अच्छी बात है। मैं मानता हूँ आपने FDI की बात कही। FDI का मैं अभी फिगर्स निकाल रहा था, 36 बिलियन से 60 बिलियन हम लोग पहुँच गए हैं, जो मेरे पास अभी आंकड़े हैं। जब आप 2014 में प्रधानमंत्री बने और आप इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में जाया करते थे, और अब आप जब 2018 में अब जब आप जाते हैं, आपको कुछ फर्क महसूस होता है तब के स्टेटस में भारत के और आज के स्टेटस में भारत के? 2014 के पहले क्या था वो मीडिया के माध्यम से हम जानते थे, और शायद भारत में इसकी चर्चा भी नहीं होती थी। दुनिया भारत के लिए क्या सोचती है और भारत दुनिया के लिए क्या सोचता था, प्रोटोकॉल की दुनिया तक सीमित हो गया था, ये सारी दुनिया जानती है। 2014 के बाद आपने देखा होगा कि एक तो हर भारतीय को भारत विश्व में कहाँ है, विश्व में भारत क्या कर रहा है, उन जानकारियों में उनका डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है। इसका मतलब कुछ प्रोएक्टिव हैं, कुछ प्रोग्रेसिव हैं, ये हम देखते हैं। सबसे बड़ी बात है, भारत में 30 साल के बाद एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार है, और लोकतांत्रिक देशों में पीपल्स मैंडेट विश्व में बहुत बड़ा महत्व रखता है, और मैं देख रहा हूं कि इसका प्रभाव पहले दिन से, जब मैंने सार्क देशों को, लोगों को यहां शपथ के लिए निमंत्रित किया, उसी दिन से वो नजर आता है। और विश्व ने भी देखा कि भाई ये कुछ अलग सोच वाली, अलग दिशा वाली सरकार है, तो विश्व का आकर्षण होना बहुत स्वाभाविक था। और भारत
अपने घर में अच्छा कर रहा है, अगर हम घर में अच्छा ना करें और बाहर बातें करें तो कोई मानता नहीं है जी। विश्व इसलिए स्वीकार कर रहा है कि भारत घर में अच्छा कर रहा है, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, नीतियों की दृष्टि से, गुड गवर्नेंस की दृष्टि से, ट्रांसपेरेंसी की दृष्टि से, हर क्षेत्र में ठोस कदम उठा रही है। इसका प्रभाव दुनिया पर जरूर होता है। और आपने देखा होगा जब विश्व देखता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 142 रैंक से 100 जाना, ये विश्व को इसकी भली भांति समझ है। हमारे देश में ऐसे विषयों की चर्चा थोड़ी कम रहती है, लेकिन दुनिया को भली भांति है कि क्या कितनी बड़ी बात हुई है। तो ये बदलाव उनकी बातचीत में, उनके व्यवहार में, भारत के साथ जुड़ने में नजर आता है।